असलम मशीन लर्निंग के इस ट्यूटोरियल टु में आपको खुशामदीद करता हूँ अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम पाइथन का चिल्ला कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ 40 दिन के अंदर पूरा पाइथन फ़ॉर डेटा साइंस सीख रहे हैं फॉर डेटा साइंस सीख रहे हैं और उसका जो लिंक है ना आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है आप उसे देख सकते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं और पाइथन फॉर डेटा साइंस हमारे साथ चालीस दिन में कर सकते हैं और आज के इस जो वीडियो का टॉपिक है वो है मशीन लर्निंग और उसके अंदर हमने देखना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम जिस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली क्या है जी वो वेरी सिंपल हमारा इमेज एनालिसिस ठीक है तो चलिए टाइम आया किए बग़ैर इमेज एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं जी तो सबसे पहले आपने क्या करना है लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना है और लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इंपोर्ट लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है इंपोर्ट पांडास पांडास एस पी डी इम्पोर्ट इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी एंड import मैट as plt बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैं पहले बता रहा हूँ एंड from एस के लर्न डॉट डेटा सेट्स ये हमने इम्पोर्ट करना है कौन सा डेटा डिजिट्स का लोड डिजिट डेटा अच्छा ये जो स्क्रिप्ट है ये तो है लाइब्रेरीज इम्पोर्ट करने के लिए ठीक है देन यू विल import online data data set को import करने के लिए हमें ये वाला जो script है इसे use करना पड़ेगा और इसको use करने के लिए आपने simply क्या करना है एस के लर्न डॉ डेटा सेट्स और इम्पोर्ट लोड डिजिट डेटा जो है वो निकाल लेना है ठीक है अभी डिजिट डेटा क्या है इसको हम डिजिट्स के इक्ल कर लेते हैं डिजिट्स के इसे हमने इक्वल कर लिया इसको डिजिट चिट्स load underscore day digits ठीक है ये हमने डिजिट्स के इक्वल कर लिया ये ऑनलाइन डेटा सेट है इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं लेकिन उससे पहले हमने सेलेक्ट कर्नल कर लिया शिफ्ट इंटर करके इसको रन किया तो हमारे पास ये आ गया फिर मैंने इसको रन किया तो मेरे पास डिजिट्स का डेटा आ गया अब डिजिट्स के डेटा में दो चीज़ें हैं पहले तो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स या फीचर्स कह सकते हैं इसको वो हैं हमारे पास वो क्या है जी डिजिट्स ठीक है डॉट डेटा डॉट शेप इसकी चेक करते हैं ये क्या चीज़ है ठीक है तो आप देखेंगे हमारे पास वन सेवन नाइन सेवन जो हैं हमारे पास टोटल रोज़ हैं रोज़ मीन्स यहाँ पे क्या होगा मीन्स वन सेवन नाइन सेवन हमारे पास पिक्चर्स हैं ठीक हो गया इस पिक्चर्स का जो साइज़ है ना वो 64 है जो इक्वल है 8 बाई एट के जैसे मैंने आपको पिक्चर्स का बताया था कि उनका साइज़ इंपॉर्टेंट होता है जो पिछली वीडियो में हमने देखा था ठीक है तो ये इसका आ रहा है साइज़ दैट मीन्स कि ये पिक्चर्स हैं और ये डेटा सेट है और इसका 8 बाई एट का साइज़ है दैट्स वाई इस गिविंग एस लाइक 64 इन टोटल और इसके अंदर फिर आउटपुट लेबल्स भी हैं आउटपुट लेबल्स भी हैं वो लेबल्स कौन कौन से हैं उसको चेक करते हैं डिजिट्स डॉट डेटा डॉट टारगेट्स नहीं डिजिट डॉट टारगेट्स डेटा तो हमने पहले कर लिया ना डॉट शेप तो आप देखेंगे जो लेबल्स हैं यहाँ पे कहाँ पे गलती हो रही है टारगेट है तो आप देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे लेबल्स आ रहे हैं दैट मीन्स के इमेज नहीं है इसमें इस डेटा सेट में ये सिर्फ़ लेबल्स हैं आप इसको कह लें वाई है फॉर एग्ज़ाम्पल और ये जो है हमारे पास कैपिटल एक्स है जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में किया था ठीक हो गया फिर हम क्या करते हैं इनकी शेप देख ली अब हम क्या कर सकते हैं हम सिंपली इसका प्लॉट जो है वो उसे ड्रा कर सकते हैं ये पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ देन आई टेल यू के क्या है ये ये पी एल टी डॉट फिगर है इसको हमने ड्रॉ किया पी एल टी कौन सा लाइब्रेरी हमने यूज़ की हमने मैट प्लॉट लिप की लाइब्रेरी यूज़ की ठीक है लाइब्रेरी यूज़ करने के बाद हमने बीस बाय चार ठीक है बीस बाई इसे किया ये क्या साइज़ है ये फिगर का साइज़ है इसमें हमने क्या करना है फोर लूप लगाया हमने फोर इंडेक्स इमेज और लेबल दोनों दिए हमने एनुमरेट किया हमने जिप को फिर डिजिट डॉट डेटा निकाला उसमें से दस जो हैं पिक्चर्स उन्हें ड्रॉ किया फिर दस के दस के लेबल्स ड्रॉ किए ठीक हो गया ये आउटपुट है ये इनपुट का ड्रा किया देन हमने कहा कि सब प्लॉट एक बनाओ एक से लेके दस तक इंडेक्स जो है उसका वन प्लस होना चाहिए क्योंकि फॉर लूप से आपको पता होना चाहिए कि जब इंडेक्स में वन प्लस करते हैं तो ये फॉर लूप एंड होगा अदरवाइज नहीं होगा दस तक ठीक है अदरवाइज ये जीरो 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 ज़ीरो यही चलता रहेगा देन पी एल टी आई एम शो किया हमने फिर एन पी रीशेप किया मैंने नम पाई की एरे को रिशेप करने के लिए इमेज एट बाय एट की की क्यों क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिक्सटी फोर आ रहा है उसे एट बाई एट करेंगे तो वो सिक्सटी फोर होगा सी मैप ये सारा मैंने कोड लिख दिया आपको इसकी झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे। आप सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये डिजिट्स की जो हैं दस तस्वीरें आ गई ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये हम तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इमेजेस आ रही हैं ये ऑनलाइन डेटा सेट में ऑलरेडी मौजूद है तो बाद में हम यहाँ पे इनके लेबल्स में भी देख सकते हैं क्या है इसको ये ज़ीरो कह रहा है वन कह रहा है टू कह रहा है थ्री कह रहा है फोर कह रहा है ये डिजिट्स आउटपुट आ रहे हैं अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पांच पिक्चर्स जो हैं उन्हें प्रिंट करूँ मैं यहाँ पे पांच चेंज करूँगा एंड देन आई विल डू फाइव हीयर एंड देन लेट्स सी तो ये देखें ये सिर्फ पाँच पिक्चर्स आई ज़ीरो वन टू तो, थ्री फोर ठीक है ज़ीरो वन टू तो, थ्री फोर फ़ाइव आई हैं है पिक्चर्स ठीक है आप इसको इस तरीके से काउंट कर सकते हैं फ़ोन साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं तो आप देखेंगे ट्रेनिंग का फ़ॉन्ट साइज चेंज हो गया तो ट्वेंटी मेरे ख़्याल से ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये यह कर सकते हैं आप देखें कि यहाँ पर ट्रेनिंग कॉम डबल डॉट जिसे हम कॉलन बोलते हैं परसेंट आई बैक स्लैश एन इससे हमने क्या किया हमने चेंज किया एंटर करने के बाद फिर लेबल लगाया लेबल कौन सा है जो यहाँ से लेबल निकल रहा है ठीक है फिर फोन साइज उसका चेंज किया तो इस कोड को समझने के लिए आप जो है इसको डिटेल में देख सकते हैं बरअल मैं इस पर ज़्यादा झंझट ज़्याद में नहीं पढ़ना चाहता बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू डिफरेंट थिंग्स अब इसको आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे पाँच की बजाय बीस भी कर सकते हैं पिक्चर्स ठीक है मैं यहाँ पे बीस करता हूँ यहाँ पे भी बीस करता हूँ एंड लेट्स सी तो आप ये देखें ये बीस पिक्चर्स आ गई अब हुआ क्या है यहाँ पे कि ट्रेनिंग इसके ऊपर ऊपर आ गई सारी चीज़ें मैं अगर यहाँ पे इसको कट करूँ तो आप देखें कि हमारे पिक्चर्स के ऊपर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरह आ गया तो आप इस तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से इसको कर सकते हैं आप देखें सिक्सटी फोर आना चाहिए दैट्स बाई एट बाई एट की फ़िगर हमने यहाँ पे साइज़ दिया सी एम ग्रे किया है आप ये सी मैप भी इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप पी एल टी हेल्प लिखने के बाद पी एल टी लिखेंगे ना लाइक एल्प इन पी एल थी ये लिखेंगे ना आपके पास इसका पूरा मैनुअल ओपन हो जाएगा कि आपने किस तरीके से इसको करना है ठीक हो गया ये पाइप प्लॉट का मैनुअल है आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं जिसको नहीं समझ आ रही कि कौन से स्क्रिप्ट का क्या मकसद है ठीक है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे अब हमने करना है यहाँ पे स्प्लिट डेटा को स्प्लिट द डेटा कैसे करना है मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे फ्रॉम एस के लर्न डॉट मॉडल नहीं डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट सप्लिट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने इंपोर्ट किया हमने करना है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन जो हम करते होते हैं एक्स अंडरस्कोर टेस्ट वाई अंडरस्कोर ट्रेन कोमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट इसको कर लिया इक्वल टू करने के बाद हमने किया ट्रेन टेस्ट सप्लिट यह वाला लगाया फिर हमने जो हमारा एक्स है ऊपर इसको हमने ये कहा हुआ है कि ये डिजिट्स के इक्वल है डिजिट्स डॉट डेटा इज ईक्ल टू तो एक्स है अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी डिजिट्स डॉट डेटा को चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कैपिटल एक्स इज इक्ल टू डिजिट्स डॉट डेटा लेथसी ये काम करता है कि नहीं करता ये हो गया और इसको मैं कहता हूँ वाई इज़ इक्वल टू डिजिट्स डॉट टारगेट्स टारगेट ठीक है मैंने एक्स के इक्वल वो रख लिया और वाई के इक्वल वो रख लिया अब यहाँ पे क्या करेंगे हम सिंपली एक्स कॉमा वाई करेंगे तो हमारा सारा डेटा इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि हमने एक्स और वाई में से स्प्लिट करना है फीचर्स डेटा और आउटपुट डेटा से फिर टेस्ट का साइज़ हम यहाँ पर रख देते हैं जैसे आपको पता है टेस्ट अंडर स्कोर साइज़ इज इक्वल टू मैं इसको पॉइंट टू रखता हूँ एटी बाई ट्वेंटी ही करते हैं ठीक है थीके? और रैंडम स्टेट इज़ इक्वल टू हम ज़ीरो कर देते हैं आप देखें कि ये हमारे पास टेस्ट सप्लिट का डेटा ऑटोमेटिकली बन गया ठीक हो गया यहाँ मैंने इसको रन किया तो अगर आपने चेक करना है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं एक्स अंडर स्कोर ट्रेन ठीक है डॉट शेप तो आप देखें आपके पास चौदह सौ सैंतीस रह गई हैं रोज़ सत्रह सौ बानवे में से अगर आप इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट डेट ना ट्रेन इनपुट डेटा ट्रेन इनपुट डेटा ऐसे कर लेते हैं ठीक है ट्रेन इनपुट डेटा ये इसको ऐसे कर लिया अब मैं इसको सभी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंटर मार के पेस्ट करता हूँ पेस्ट करता हूँ अब मैंने ट्रेन इनपुट डेटा यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट इनपुट डेटा ट्रेन आउटपुट डेटा टेस्ट आउटपुट डेटा ठीक है मैं यहाँ पे एक्स ट्रेन किया था इसको एक्स टेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे मैंने वाई ट्रेन करना है और वाई टेस्ट करना है तो इस तरीके से हमारे पास हर किसी की शेप आ जाएगी ठीक है, है यह आप देखें यह ट्वेंटी परसेंट ये है एटी परसेंट ये है इसी तरह ये ट्वेंटी परसेंट और ये एटी परसेंट है तो हमारे पास टेस्ट और दोनों अलग-अलग हो गए अब हमने क्या करना है मॉडल ट्रेन करना है ठीक है मॉडल ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रॉम एस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल इसके अंदर से निकालेंगे इम्पोर्ट क्या इम्पोर्ट करना है हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसको इम्पोर्ट किया अब इसको मैं इक्वल कर लेता हूँ लॉग अंडरस्कोर रिग्रेशन के ठीक है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के इक्वल हो गया अब हम करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासीफायर लगाया यहाँ पे ठीक है लॉजिस्टिक लो, रिग्रेशन लगाया फिर बाद में इसके साथ ही हम ये भी फिट भी कर सकते हैं डॉट फिट इसके अंदर कर देते हैं एक्स अंडर स्कोर ट्रेन कोमा वाई अंडर स्कोर ट्रेन कर दिया अब इसको अगर हम रन करें तो हमारे पास यहाँ पे जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन आ गया लॉग रिग्रेश। इसको रन करते हैं तो आप यहाँ देखें यहाँ पे ये यह हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल यहाँ पे ट्रेन कर दिया अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है उसको हम मशीन लर्निंग के चिल्ला में देखेंगे लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये देखें कि हमने मॉडल को यहाँ पे ट्रेन कर लिया बाय गिविंग एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन डेटा ठीक हो गया अब इसके बाद हमने आगे क्या करना है हमने प्रोडिक्शन निकालनी है किस चीज़ की फॉर एग्जांपल आपने डेटा को ट्रेन कर दिया है आप क्या कर सकते हैं सिंपल प्रोडिक्शन निकाल सकते हैं लॉग रिग्रेशन डॉट प्रोडिक्ट लगाने के बाद प्रोडिक्ट लगाने के बाद आप क्या करेंगे एक्स अंडर टेस्ट का डेटा देंगे ठीक है और इसमें से कोई भी कितने भी रोज को आप निकाल सकते हैं मैं कहता हूँ कि ज़ीरो से फाइव जो टेस्ट के डेटा में से है ना वो निकालो ठीक है लेट्स सी के वो क्या आती है तो ये देखें टू एट टू सिक्स सिक्स ठीक है अगर मैं ज़ीरो से ट्वेंटी करूँगा तो टेस्ट डेटा में टेस्ट डेटा कौन सा है हमारा ये देखें थ्री सिक्सटी रोज हैं टोटल ठीक है अगर मैं यहाँ पे थ्री सिक्सटी फाइव करता हूँ तो ये आप देखें कि सारी आ गई हैं एंड पे एट है यहाँ पे थ्री सिक्सटी करता हूँ तब भी एंड पे एट है इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं थ्री सिक्सटी हैं टोटल मैं इसको थ्री फिफ्टी नाइन करता हूँ तब भी ये देखें वहीं पे रुका हुआ है नाउ इफ़ आई डू दिस टू सिक्सटी आप देखें ये वहाँ से कम हो गया पीछे को अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो हमारे पास प्रडिक्शन आ जाएगी लेकिन अगर आप कहते हैं कि सिर्फ दस रोज़ की प्रडिक्शन आए सिर्फ हमारा जो स्क्रिप्ट है उसको चेक करने के लिए तो यू कैन डू दिस लाइक ठीक है तो आप लॉग प्रोडिक्शन भी चेक कर सकते हैं अब इसके बाद आपका अगला मेथड आता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमने टेस्ट स्प्लिट किया ठीक है ना एक्यूरेसी प्रोडिक्शन या एक्यूरेसी टेस्ट ठीक है इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है स्कोर को एक्यूरेसी स्कोर को देखना स्कोर लिखने के बाद हम इसको इक्वल कर लेते हैं लॉग अंडरस्कोर रिग्रेशन जो हमने एक मॉडल बनाया अपना ठीक है इसको आप लॉग रिग्रेशन भी कह सकते हैं या हम इसे मॉडल भी कह सकते हैं ठीक है मैं यहाँ पे पीछे मॉडल यूज़ करता हूँ तो इसे भी मैं मॉडल कह देता हूँ यहाँ पे लॉग रिग्रेशन को भी मॉडल कह देता हूँ ताकि मेरे लिए इजी रहे जो मैं पिछली क्लासेज में बताता आया हूँ आपको उसको देखने के लिए मैं मॉडल करके रन करता हूँ और इसको मॉडल करके प्रोडिक्ट करता हूँ सेम वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर अब मॉडल डॉट ठीक है ये तो हमने मॉडल तो हमने कर लिया अब हमने क्या करना है स्कोर देखना है मॉडल डॉट स्कोर स्कोर करने के बाद हमने करना है एक्स अंडर स्कोर टेस्ट एंड वाई अंडर स्कोर टेस्ट ठीक है तो इसको अगर स्कोर को हम प्रिंट करें इसके आगे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एक्यूरेसी स्कोर इज दिस वन ठीक है इसको रन किया तो हमारा एक्यूरेसी स्कोर हमारे पास 96R, 96 सिक्स आ रहा है पॉइंट मतलब 96 परसेंट एक्यूरेट है अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या है और प्रडिक्टेड वैल्यू क्या है आप ये देखें कि यहाँ पे ये एक्स टेस्ट को एज एन इनपुट लेता है और वाई टेस्ट के इक्वल जो उसकी एक्स टेस्ट की प्रडिक्शन है ना उसको टेस्ट करता है ठीक है जैसे आपको बताया हुआ है कि जब भी हमने किसी मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी तो वो असल में इसको हम लिखेंगे एक्स टेस्ट टेस्ट को इसने प्रोडिक्टेड वैल्यू देखी और जो प्रोडिक्टेड आई उनको वाई टेस्ट के साथ कंपेयर किया ठीक है तो ये फिर एक्यूरेसी स्कोर आता है आप दूसरे तीसरे एक्यूरेसी मैट्रिक्स भी देख सकते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है ठीक है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखने के लिए हम क्या करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के मैट्रिक्स uh, जो है हमारा वो बनाते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है उसको देखने के लिए हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज इक्वल टू यहां पे हम करते हैं मैट्रिसेस एम ई टी आर आई सी ई -E एस मैट्रिसेस यहां पे मेरे ख्याल से लाइब्रेरी जो है मैट्र मैट्रस और मैट्रिक्स करना है एम ई टी आर आई सी एस डॉट कन्फ्यूजन डॉट ना अंडरस्कोर मैट्रिक्स ये ऑटो फिल नहीं दे रहा मेरे ख्याल से कोई लाइब्रेरी इम्पोर्ट नहीं हुई आप मुझे बताएं मैंने कौन सी लाइब्रेरी इम्पोर्ट करनी थी जो मैं भूल गया हूँ मुझे बताएं देन वी विल सी कि कौन सी लाइब्रेरी हमारी जो है वो रह गई है यहाँ पर ठीक है मेरे ख्याल से हमने कोई लाइब्रेरी मिस की है खैर तो ये आप देखें जी यहाँ पे हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इस तरह बनाते हैं इसको बनाने से पहले हमने क्या करना होता है हमने प्रडिक्शन को देखना होता है लेट्स सी कि ये क्या बनता है अभी तो एरर दे रहा है क्या मैट्रिक्स इज़ नॉट डिफाइंड मैट्रिक्स इज़ नॉट डिफाइंड ठीक हो गया इसको देखने के लिए हम करते हैं कि हमने क्या इंपोर्ट करना था फ्रॉम एस के लर्न डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ठीक है ये इम्पोर्ट करना है और यहाँ पे ये सारा लिखने के बाद सी एम लिखते हैं अब क्या मसला आ गया इसे आई सी कन्फ्यूजन डॉट मैट्रिक्स क्या मसला आ रहा है अच्छा तो यहाँ पे दो मसले आ रहे हैं हमारे पास पहला ये है कि हमने प्रडिक्शंस को एक बनाना है कॉलम यहाँ पे प्रडिक्शंस लिख देते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल डॉट प्रडिक्शन प्रिडिक्ट और यहाँ पे एक्स अंडर टेस्ट का डेटा रखेंगे तो ये प्रोडिक्शन के इक्वल हो जाएगा ठीक है रखने के बाद यहाँ पे हमने लिखा है फ्रॉम एस के लर्न इम्फोर्ड मैट्रिक्स ठीक है अभी ये जो प्रोडिक्शन थी ये सेम वही है जो हमने एक्स टेस्ट की यहाँ पे की थी ठीक है इसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि ये प्रोडिक्शन है और प्रोडिक्शंस यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक हो गया इसको जब प्रिंट किया सारी आ गई थी तो इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ठीक है अदरवाइज़ वी हैव टू राइट दी होल थिंग तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया अब यहाँ पे आने के बाद मैंने ये एस के लर्न से मैट्रिक्स इम्पोर्ट किया और यहाँ पे मैंने सी एम को एक नाम दिया और यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स डॉट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ठीक है इसके अंदर मैंने एक्स अंडर स्कोर टेस्ट किया नो यहाँ पे करेंगे वाई अंडर स्कोर टेस्ट नहीं यार वाई अंडर स्कोर टेस्ट नहीं आना यहाँ पे वाई अंडर स्कोर टेस्ट कॉमा प्रडिक्शंस ठीक है ये आ जाएगा और इसको जब हम सी एम को करेंगे तो हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आएगा ठीक है ये आ गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अब आप देखें इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे ये वैल्यू आनी थी ना वहाँ पे वही आए और जहाँ पे नहीं आनी थी वहाँ पे कोई और आ जाए फॉर एग्जांपल इसको अगर हम ड्रा करें एक ग्राफ के अंदर जिसका कोड जो है ये सिंपल है अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी और सी uh, बॉन का हीट मैप है बड़ा ईजी वाला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ मैं इस पर डिटेल में नहीं जाता मैं इसको प्रिंट करता हूँ लेट्स सी यहाँ पर मैंने इसको इम्पोर्ट सी बोर्न एज एस एन एस नहीं किया तो ये हो गया अब देखें क्या होता है ये सेम वही मैट्रिक्स है यहाँ पे हमने इसे सारा ड्रॉ किया है इसका मतलब यह है कि जहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए ना वहाँ पे ज़ीरो ही आया है सताईस दफ़ा ठीक है कोई और वैल्यू नहीं आई लेकिन जहाँ पे वन होना चाहिए वहाँ पे चौंतीस दफ़ा वन ही आया है लेकिन अदर देन वन आपके पास एट भी आया है एक दफ़ा ठीक है तो यहाँ पे आपका मशीन एल्गोरिथम जो है ना मशीन लर्निंग का वो कंफ्यूज हो गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इस वैल्यू के बजाय उसने ये वाली वैल्यू दे दी फिर दो पैंतीस दफ़ा ठीक आया देन एक दफ़ा यहाँ पे ख़राब आ गया ठीक है इसी तरह उनतीस दफ़ा ये वाला आया सही बाकी ठीक आ रहा है यहाँ पे सेवन को उसने फोर के साथ मिक्सअप कर दिया ठीक है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने यहाँ पे सिक्स को वन के साथ कर दिया ठीक है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने सिमिलर टू हेयर लाइक सेवन को उसने यहाँ पे फोर के साथ कर दिया ठीक है आप ये देख रहे हैं ना वैल्यूज़ तो इसी तरह कंफ्यूज हो गया मैट्रिक्स अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जब आप डेटा कम लें ट्रेनिंग के लिए ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम टेस्ट साइज़ कर लेते हैं थ्री फाइव ठीक है मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ नेक्स्ट रन करता हूँ उससे नेक्स्ट रन किया ठीक है फिर मैंने ये वाला रन किया कॉलम कोड uh, फिर मैंने ये कोड ब्लॉक रन किया ये वाला किया एंड देन आप देखिएगा कि अगर मैं इसी को उठा के यहाँ पे एक दफ़ा और रन करूँ तो आप देखें कि यहाँ पे ना उनचास है ये देखें ये सत्ताईस है तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो डिफ़र करगी फोरन ही ठीक है नाइन्टी फाइव परसेंट स्क्योर यहाँ पर आ रहा है यहाँ पे नाइन्टी सिक्स परसेंट है ठीक है एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको डिफरेंट accuracy measures आएंगी फॉर example ये ज़ीरो जो है इतनी दफ़ा measures हुआ है लेकिन यहाँ पे ज़ीरो के साथ क्या कन्फ्यूजन हुई है, आप देखें कि नाइन को भी उसने कन्फ्यूज़ किया है अक्सर ठीक है तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बताता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ आनी चाहिए थी और मैं कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ तो आपको ट्वेंटी बाई एटी रखना ज़्यादा ज़रूरी है जो मोस्टली चलता है आप सेवेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फाइव भी कर सकते हैं डिपेंड करता है कि आपने क्या अपनी आउटपुट लेनी है ठीक है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ यहां तक हमारा मसला हल हो गया ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे सी एम को ड्रा करूँ, ठीक है तो आपको पता है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है और हमने यहां पे इसे देख लिया है ठीक हो गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को? अब अगली चीज आती है कि ये तो हो गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं अपनी मिस्ड वैल्यूज़ ले सकते हैं जो हमारे पास मिस क्लाट क्लासीफाइड लेबल्स हैं ठीक है जो अभी तक क्लासीफाई सही नहीं हुए ठीक है उनको यहाँ पे प्रिंट करते हैं ये एक छोटा सा कोड है नम को हमने इम्पोर्ट किया मैटफ्लॉट लिप को इम्पोर्ट किया इंडेक्स हमने ज़ीरो कर दिया फिर हमने मिस क्लासीफिकेशन का एक ब्रैकेट वाली लगा दी ठीक है एरे बनाने के लिए मिस क्लासीफिकेशन को एरे दिया फिर हमने किया फॉर लेबल प्रिडिक्ट इन वाई टेस्ट और प्रिडिक्शन के अंदर इन दोनों के अंदर जो मिस क्लासीफाइड है ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की बेस पे फॉर लेबल वो लेबल जो प्रोडिक्शन के लेबल मतलब आउटपुट प्रोडिक्ट इन जेप इफ लेबल इज नॉट इक्वल टू प्रोडिक्ट देन मिस क्लासीफिकेशन या मिस इंडेंसेस डॉट अपेंड डॉट इंडेक्स इंडेक्स में प्लस इज इक्वल टू वन कर देना मतलब वो फिर उसके साथ अपेंड कर दो आप इस कोड के अंदर लेट्स सी ये हमारा कोड काम करता है कि नहीं करता ये अभी काम कर गया तो अभी अगर हमने यही चीजें प्लॉट करनी हो तो क्या करेंगे अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब थोड़ा सा कम्पलेक्स होने वाला है सीन क्यों अब मैंने प्लॉटिंग मिस क्लासीफाइड लेबल्स विद नॉन लेबल्स ठीक है क्या किया प्लॉट की फिगर जैसे हमने पहले की थी फॉर प्लॉट इंडेक्स बैड इंडेक्स इन एनिरेट मिस क्लासीफाइड इंडेक्स जीरो टू फाइव ठीक है ये जो मिस क्लासीफाइड था ना इंडेसिज इसको मैंने जीरो टू फाइव तक मैंने कहा कि सिर्फ मुझे पाँच वैल्यूज़ दो जो हैं फिर सब प्लॉट बनाया एक से पाँच तक का ये कर दिया फिर उसके अंदर एक्स अंडरस को टेस्ट को बैड इंडेक्स जो उसका है बैड इंडेक्स हमने क्या कहा हुआ है इसके अंदर जो भी बैड इंडेक्स है एट बाई एट पिक्चर का ठीक है उसको ग्रे में ड्रा करो फिर मैंने कहा उसका टाइटल ये वाला रख के और फोन साइज़ ये रख दो लेट्स ड्रा इट एंड देन आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह का ये देखें अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो कुछ अच्छे तरीके से ट्रेन हुआ होगा या आपको वैल्यूज़ हैं अक्सर ठीक मिलेंगे यहाँ पे ठीक है मैं अगर इसको टेन करता हूँ तो आई हैव टू राइट हीयर टेन एज़ वेल आपको मैं दिखाना जो चारों मैं बताता हूँ अभी और यहाँ पे इस चीज़ को फाइव ही रहने दें अगर तो आपको ईज़ीली मेरे ख्याल से समझ आ जा जाएगा तो हमने क्या किया है प्रोडक्टेड वैल्यू टू थी और एक्चुअल भी टू है ठीक है यहाँ पे प्रडिक्टेड एट है और एक्चुअल भी एट है प्रोडक्टेड टू है और एक्चुअल भी टू है प्रोडिक्टेड एक्चुअल भी है और यहां पे है अदरवाइज अक्सर ऐसे होता है कि जब आप इन वैल्यूज को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से कहता हूं कि पच्चीस से पचास तक की मुझे वैल्यूज दो ठीक है पच्चीस से पचास नहीं बल्कि पच्चीस से तीस तक नहीं ये क्या था जीरो से फाइव तो ये होगा जीरो से या फाइव से टेन यस तो ये देखें अक्सर आपको प्रोडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू सेम आ रही है लेकिन आपने अब आपका काम ये है कि इस कोड में अमेंडमेंट करके आपने वो वाली वैल्यूज निकालनी है जो प्रोडिक्टेड और एक्चुअली डिफरेंस आ रही हैं और इस कोड में एरर फाइंड आउट करना है ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस भी हो जाए कि मैट प्लॉट लिब की लाइब्रेरी को हमने कैसे यूज़ करना है और फ़ोर का लूप्स कैसे यूज़ करना है ठीक है ये एक्चुअल में जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपकी प्रोडिक्टड और आनी चाहिए और सेवन यहाँ पे मिस वैल्यू जो मिस कैलकुलेशन है वो होनी चाहिए वो कौन सी हो जैसा कि आप इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि अक्सर जब सेवन आ रहा है तो वो फ़ोर के साथ यहाँ पे मिस क्लासीफाई कर रहा है उसे ठीक है तो इसी तरीके से यहाँ पे सेवन को फोर के साथ यहाँ पे भी मिसक्लासीफाई कर रहा है तो आप इस तरीके से इन मैट्रिसेस को देख सकते हैं वन जो है ये अक्सर एट के साथ मिस क्लासीफाई हो रहा है ठीक है तो आप इसको क्या करें कोड को और डाउन कर लें मतलब यहाँ पे आप कर लें पॉइंट टू फाइव बल्कि इसको हाँ पॉइंट टू फाइव और सारे कोड को रन करें एंड लेट्स सी क्या होता है ठीक है ये देखें अभी भी एक्चुअल वैल्यूज आ रही हैं ठीक हो गया लेकिन आपने इसे चेक करना है ठीक है है और एक्चुअल भी वन है यहाँ पे ये यह यहाँ पे भी ऐसे आ रही है सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स कि यहाँ पे ये यह जो कंफ्यूजन मैट्रिस आ रहे हैं ना मतलब ये यह यहाँ पे देखें इस मैट्रिस में वन को दो दफा इसने एट के साथ मिक्सअप किया है ठीक है तो आपने वो वैल्यूज़ यहाँ पर लेके आनी है किसी न किसी तरीके से दैट्स योर असाइनमेंट तो अब के लिए आपको सिर्फ इतना मैं बताना चाहूँगा कि ये हमने बहुत छोटा सा डेटा सेट यूज़ करते हुए हमने थोड़ा सा इमेज एनालिसिस किया है अब आके थोड़ा सा कम्पलेक्सिटी की तरफ हम जाने वाले हैं लेकिन आपके जो असाइनमेंट है कि इस कोड में मिसिंग वैल्यूज़ जो कन्फ्यूजन मैट्रिस के थ्रू आई हैं ना वो यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए एक्चुअल और प्रडिक्टेड वैल्यूज़ जो डिफरेंट है ठीक है तो मिलते हैं अगले टटोरियल में अपना ख्याल रखिएगा और इस प्रैक्टिस को असाइनमेंट को करने के बाद मुझे ज़रूर भेजिएगा शाम की सेशन से पहले जजाक